तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आपका लिस्ट बॉक्स के बारे में। हमने इससे पहले कॉम्बो बॉक्स के बारे में पढ़ा था हमने। अब चलिए हम लिस्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिस्ट बॉक्स की एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक दो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? तो सौरभ जी, सबसे पहले हम डेवलपर में जाते हैं यूजर फॉर्म में, और हमने इंसर्ट किया यूजर फॉर्म, और इसमें हमने मान लीजिए कि एक लिस्ट बॉक्स यहाँ पे एक पहले तो लेना पड़ेगा ना उसका कैप्शन, लिस्ट पे कैप्शन नहीं होता है ना सर, सेलेक्ट सिटी। अब मैं अपना लिस्ट बॉक्स जो है इसमें, तो लिस्ट बॉक्स और कॉमो बॉक्स में क्या होता है, कॉमो बॉक्स में ड्रॉप डाउन करना होता है, लिस्ट बॉक्स में उसका लिस्ट चलता है। जैसे मैं सिलेक्ट सिटी हमने कर दिया यहाँ पे, तो अब इसमें आइटम कैसे ऐड होंगे? तो अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड आइटम है तो आप यूजर फॉर्म इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में जाए और यहाँ पे लिखें विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स और एड आइटम, जैसे हमने हमने कॉम्बो बॉक्स में किया था कि न्यू दिल्ली डॉट एड आइटम पुणे डॉट एड आइटम नागपुर डॉट एड आइटम पटना, और जब आपका खत्म हो जाए तो यहाँ पे एंड विथ कर दीजिए। ये मैनुअल हो गया यहाँ पे, ठीक है? और जब इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू कहलाएगी। लेकिन अगर यही सिटी आपके किसी सीट पे हो तो कैसे उठाएंगे? तो मान लीजिए कि इस पे है हमारे पास और मुझे इसको उठाना है, तो कैसे उठाएंगे? चलिए इसके लिए हम एक और यहां लिस्ट बॉक्स लेते हैं नीचे। तो इसके दो एक तरीका है कि तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे रो सोर्स याद होगा, रो सोर्स पे हम उसका एड्रेस दे देंगे A1 से A12 यहाँ पे A1 से A12। अब जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मेरा ये जो है वो घटता बढ़ता रहता है मतलब कि फिक्स नहीं है कि क्या हो सकता है। तो उस केस में हम यहाँ पे लूपिंग कंसेप्ट अपना सकते हैं। लूपिंग कंसेप्ट भी हम यूजर फॉर्म स्लाइड में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 रेंज A65000.andxlsup.row और फिर नेक्स्ट आई, फिर यहां पे लिखेंगे मी डॉट एड आइटम लिस्ट बॉक्स डॉट एड आइटम और यहां पे रेंज के साथ हम लिख देंगे उसको। तो जब हम प्ले करेंगे तो ये एड हो जाएगा। अच्छा, लिस्ट बॉक्स 1 नहीं करना था हमें, लिस्ट बॉक्स 3 करना था ना, हमने 1 कर दिया, लिस्ट बॉक्स 3 हम इसको प्ले करेंगे। ओके सर, तो लिस्ट बॉक्स में डेटा ऐड करना समझ में आ गया? जी सर। तो चलिए हम बात करते हैं एक सिंपल सी प्रोजेक्ट की।
यूजर फॉर्म लिया। उससे पहले हम एक डेटा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, मैं कहीं से डेटा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये हमारा डेटा हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक यूजर फॉर्म बनाना है। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। यूजर फॉर्म बनाना है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट क्वार्टर, और यहाँ पे मैं कॉम्बो बॉक्स दे देता हूँ। उसके बाद मैं एक लिस्ट बॉक्स यहाँ से लेता हूँ और पूरे में डिजाइन कर देता हूँ। नीचे तक। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें क्वार्टर एक से लेकर फोर तक आ जाए, तो मैं डबल क्लिक किया यूजर फॉर्म इन स्लाइड, और यहां पे देता हूं विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, यहां पे क्वार्टर वन डॉट अगेन एड आइटम क्वार्टर टू डॉट एड आइटम क्वार्टर थ्री एंड डॉट एड आइटम क्वार्टर फोर, और फिर यहां पे हो जाएगा एंड विथ। अब जब इसको हम प्ले करेंगे तो यहां पे मेरे पास क्वार्टर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं जो क्वार्टर में सिलेक्ट करूं वो क्वार्टर का डेटा इसमें से फिल्टर होके यहां पे दिखना चाहिए, राइट। और एक इसमें एक और है, ऑल भी कर देता हूं मैं यहां पे एक डॉट आइटम यहां पे ऑल। ओके, अब मैं चाहता हूं इसमें जब चेंज हो उसके हिसाब से यहां पर आए। सबसे पहले ऑल, अगर ऑल हुआ तो पूरा डेटा दिखना चाहिए। तो मैंने यहां पे दिया कि इफ me dot combo box one dot value is equal to all, then क्या होना चाहिए, me dot list box one dot row source equal to, यहां पे हम देते हैं data slash a वन से एल 1783 वन से, इसको भी ऑटोमेट कर दो ना। ऑटोमेट आप कर लीजिएगा, इतना तक खरीद सकते हैं आप। हाँ मैं कर सकते ना इसमें, हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ हेड सर, और यहाँ पे एंड इफ, यहाँ पे एग्जिट सब करना होगा, एग्जिट सब, ताकि आगे का प्रोसीजर ना चले। और एंड इफ मतलब कि हम प्ले किया और जैसे मैं यहाँ पे ऑल लिखूंगा तो यहाँ रो सोर्स आ जाएगा, लेकिन ये में डेटा नहीं आया। डेटा क्यों नहीं आया, एक बार देखते हैं। कॉम्बो टू नहीं, कॉम्बो वन ही है, सही तो है। अच्छा इसे दिया कि यहाँ पे ऑल जो लिखा हुआ है वो स्मॉल में, क्योंकि बीवी आपका केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीवी में जब कंडीशन देते हैं तो यहाँ पे डबल एल लेना पड़ेगा ऑल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक क्वार्टर का आया, बाकी नहीं आया,
क्योंकि जो आपका लिस्ट बॉक्स है इसमें जो कॉलम का काउंट है वो आपने नहीं दी, वन है यहाँ पे, दिख रहा है आपको सर, कॉलम काउंट वन, मतलब कि डिफॉल्ट आप एक ही कॉलम को ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर आप चाहते हो कि आपको एक से ज्यादा कॉलम लेना है तो यहाँ पे काउंट आपको देना पड़ेगा, कॉलम काउंट। तो मैं यहाँ पे ऊपर स्लाइड में लिख देता हूँ कि मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए इज यहाँ पे डेटा सीट्स में डेटा ले लेता हूं और उसका जो रेंज होगा रेंज कंप्लीट वन बाय वन पहला कॉलम, ठीक है। जैसे हम यूजर फॉर्म ओपन करेंगे तो इसका कॉलम काउंट जितना मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे मैं ऑल सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे देखिए पूरा डेटा आ गया, आ गया। अरे आया कैसे सर वो वन, सॉरी क्या वन क्यों आया ये एक बार दिखाना सर वो मैच वाला काउंट ए, हमने काउंट ए लगाया बोला कि जो कॉलम मतलब कि लिस्ट बॉक्स थी उतने कॉलम हो जितने हमारे डेटा में कॉलम है, तो हमने पूरे ए इसका कॉलम का काउंट ले लिया ना। अच्छा अच्छा पूरा काउंट, ठीक है ठीक है, काउंट ए फॉर्मूला एक्सेल का लगा दिया मैंने। और यहाँ पे हम कंडीशन दे रखे हैं कि अगर ऑल होगा तो डेटा का जो सोर्स होगा वो हम अपना डेटा डाल दिए, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले चीज बताया था कि हमने यहाँ पे सोर्स दे देते हैं रो सोर्स, जी जी यहाँ पे कहीं पे रो सोर्स दिया था ना हमने नीचे A1 से A12 दिया था ना, तो हम यहाँ ना देके हम कोड में भी दे सकते थे, तो हमने यहाँ पे कोड में दे दिया कि रो सोर्स ए हो जाए तो ये ऑटोमेटिक उसमें जाके पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पुट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं Q1 सेलेक्ट किया तो Q1 का डेटा आना चाहिए, तो चलिए उसके लिए यहां पे हम करते हैं, उसके लिए यहां पे हम करेंगे यहां पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कि डिम डी टी 1 to 1800 एंड कॉमा 1 to कॉलम काउंट कितना है हमारा, कॉलम काउंट 12 है तो 12 हमने एक टेबल ले लिया एरे टेबल, फिर यहां पे लूप लगाएंगे कि 4i = मतलब कि i फॉर रो इक्वल टू चले वन से वन टू जितना आपका डेटा है 1782 बाद में आप उसको ऑटोमेट कर लीजिएगा, मैं फिलहाल 1782 ही कर देता हूं, और फिर यहां पे 4j = चले 1 to 12 दो रो है तो यहां पे अब देता हूं कि इफ या इफ नहीं यहां लगेगा ऊपर कि इफ और हमने यहां पे दिया रेंज ए हमारा क्वार्टर ए कॉलम में ना, हाँ यहां पे ए ए के साथ हमने आई किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू देन लूप चले और इसमें डी टी में अब यहां पे रो तो पता नहीं रो कौन सा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं R = R+1 तो डी टी और यहां पे R, J एड हो जाए सेल्स i, j डॉट
वैल्यू। और इसके आगे अगर सीड्स लगाना चाहते हैं तो आप सीड्स भी दे सकते हैं कि सीड्स डेटा। अगर सीड अगर आप लगा रहे हैं तो आपको ये सीड्स ऊपर भी लगाने पड़ेंगे या रेंज पर भी। डॉट और फिर यहाँ पे नेक्स्ट छे और यहाँ पे एंड इफ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आई। तो इसमें से क्या होगा कि जो भी चेक करेगा कि जहां जहां उसको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर मैच करेगा, वहां वहां उस पूरे लाइन की डेटा जो है, पूरे लाइन की डेटा इस एरे पे स्टोर कर देगा, डीटी एरे पे स्टोर कर देगा। तो मतलब कि डीटी पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो स्टोर होगी जो लिस्ट बॉक्स में एड होगी। तो अब यहां पे मुझे लिखना होगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, पहले क्लियर करना पड़ेगा, देन मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट और यहां पे हम डीटी डाल देते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो हमने यहां पे मान लीजिए क्वार्टर वन सेलेक्ट किया, इक्वल टू लिस्ट होगा ना, हाँ क्वार्टर वन आ गया, क्वार्टर टू सेलेक्ट किया क्वार्टर टू आ गया, क्वार्टर थ्री सेलेक्ट किया क्वार्टर थ्री का डेटा आ गया, क्वार्टर फोर का डेटा आ गया, और ऑल करते हैं तो ऑल आ जाता है। अब ऑल के बाद जैसे ही क्वार्टर वन करते हैं यहाँ पे एरर आता है। ये एरर क्यों आ रहा है पता आपको सर? क्या होता है कि एक बार अगर आप प्रॉपर्टी इसकी जो प्रॉपर्टी में रो सोर्स को अगर आपने फिट कर दिया, यहाँ पे देख लीजिए रो सोर्स अगर फिट कर देते हैं तो आप वापस उसको वापस उस पर कोई और डेटा ऐड नहीं कर सकते, ये नियम है। तो अब रो सोर्स रख रहे हैं, अब यहाँ पे मुझे इसकी रो सोर्स क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स और इक्वल टू मैं कुछ नहीं डालता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे ए डाला, डेटा आ गया और यहाँ पे जैसे डालेंगे तो भी हमारा डेटा चल गया क्योंकि रो सोर्स को उसने ब्लैंक कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स में रो सोर्स डालते हैं और रो सोर्स में अगर कोई डेटा डलती है तो इसका ध्यान रखिएगा कि वो डेटा क्लियर होनी चाहिए, उस पर आप दूसरा कोई इफेक्ट, मतलब कि तीन बार तरीके बताया ना आपको मैंने, पहला तरीका बताया कि बीथ वाला कमांड लगा दे, दूसरा तरीका बताया मैंने लूप का, और तीसरा तरीका मैंने बताया था रो सोर्स का। तो रो सोर्स का तरीका जब अपनाते हैं तो बाकी तरीके जब तक रो सोर्स को क्लियर नहीं किया जाता है तब तक वर्क नहीं करता है, समझ गए? जी जी, किसका ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे एक बार वो बताओ क्या होता हूँ वो जो कोड में आना सर, ये सर ये लूप वाला सिस्टम एक बार यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया। बेसिकली क्या है, बताता हूँ क्या है कि हमारे डेटा डीटी वाला, हाँ मेरे डेटा में से डेटा को फिल्टर करके लिस्ट बॉक्स पे डालना है। तो लिस्ट बॉक्स पे डेटा का एक एक करके डाल सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा टेबल अगर डालना हो तो रो सोर्स के अलावा दूसरा तरीका है एरे, एरे के थ्रू आप डाल सकते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे एरे डिफाइन किया जिसका 1800 रो और 12 कॉलन है, समझ गया? उसके बाद मैंने यहाँ पे लूप लगाया कि डेटा में 1 से लेके 1782 तक चले, और फिर मैंने बताया कि मैच करो कि अगर उसकी क्वार्टर कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट की क्वार्टर से मैच करती है तो क्या करे, कॉलम का लूप चले और आपके डीटी के ऊपर जो हमारा एरे है उसके ऊपर उस कॉलम का पूरा डेटा डाल दे। तो कॉलम का डेटा मुझे 1 by 1 डालना होगा, तो इसलिए हमने 4J लूप लगाया ताकि 1 by 1 एक एक सेल का डेटा और डीटी पे डालेगा और डीटी का भी लोकेशन यहाँ हुआ 1 by 1। तो आर हम इसलिए लिया क्योंकि आई तो
आईज भी यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि हर हर रो में हमारा डेटा तो नहीं है ना, क्वार्टर वन या जो भी सिलेक्टेड हम सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक रो नंबर ले लिया जो कि इंक्रीज होगा, एक दो तीन सीरियल नंबर चाहिए हमको कि पहले पहले वाले लूप में वन हो, दूसरे वाले लूप में टू हो, तीसरे थ्री हो, इसलिए हमने सीरियल नंबर ले लिया। तो हमने बोला कि पहले रो के पहले कॉलम में पहले डेटा, पहले रो का डेटा डालो, दूसरे कॉलम में दूसरे कॉलम का डेटा डालो, ऐसे और पूरा का पूरा टेबल यहाँ से टेबल फॉर्मेट में उठा के और डीटी को दे देगा। अब डीटी इस कॉलम का उठा डेटा उठा के आपका लिस्ट बॉक्स पे स्टोर कर देगा। लेकिन लिस्ट बॉक्स कुछ भी स्टोर करते हो तो उसकी प्रीवियस डेटा को क्लियर करना जरूरी है जी। तो इसकी प्रीवियस डेटा क्या था? क्लियर था। तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है सर? इस फाइल को आप रेफरेंस में लेके कुछ और प्रैक्टिस करो। और मैंने भी जो आपको कुछ फाइल्स भेजे थे याद होगा, वो इसी इसी से रिलेट करती है, तो एक बार करें तो आपको समझ में आ जाएगी। जो दिक्कत होगा हम आगे आपके साथ डिस्कस कर, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। अरे तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लिस्ट बॉक्स के बारे में और कुछ जानेंगे। आज मैं लिस्ट बॉक्स में डेटा इनपुट करना डाला, कल मैं बताऊंगा लिस्ट बॉक्स से डेटा आउटपुट कैसे लेंगे। ठीक है सर, इसको एक्सेल पर भी ले सकते हैं, जैसे जैसे नेट वो